अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। आज हम बनाने जाने वाले हैं बिल्कुल ही यमी और टेस्टी रेसिपी मसाला फ्रेंच फ्राइज, जो बड़े और छोटे दोनों को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये मॉनसून सीजन स्पेशल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 200 से 250 ग्राम आलू लिए हैं, जो मीडियम साइज के हैं। इसे हम फ्रेंच फ्राइज के फॉर्म में सारे के सारे आलूओं को काट लेंगे। हमें ये फ्रेंच फ्राइज बहुत पतली नहीं काटनी है, हमें इसे थोड़ी थिक रखनी है। हम इस तरह से सारे आलूओं की चिप्स बना लेंगे। हमारे सारे आलूओं की चिप्स बनकर रेडी है। अब हम कुछ मसाले रेडी करेंगे, जिसके मसाले कुछ इस तरीके के होंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पर पूरा सैचेट मैगी मसाला का लिया है, जो प्रोविजन स्टोर्स में आपको इजीली मिल जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पर हम चाट मसाला लेंगे, जो हमारे मसाले के फ्लेवर्स को एनहेंस करेगा, 1.5 टीस्पून। अब सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ऑरेंज रेड कलर दिया है, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। अब हम ये चिप्स ले लेंगे। इस चिप्स को मैंने 3 पानी से धो लिया है अच्छे से और ड्राई कर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ सिजवान चटनी डाली है, जो मैंने 2 स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये सारी जो सिजवान चटनी है वो सारे चिप्स को कोट हो जाए। हमारी सारी सिजवान चटनी कोट अच्छे से हो गई है। अब हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से टॉस करते हुए ये सारा जो पाउडर मसाला है, ये अच्छे से हम सारे चिप्स को कोट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि जैसे ही हमारे सारे मसाले कोट हो जाते हैं, हमें इसे रखना नहीं है, हमें इसे तुरंत तल लेना है। हमने ऑलरेडी तेल गरम रख दिया है, होने हमारा तेल गरम भी हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कर सारी चिप्स को ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि सारी की सारी हम एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कॉर्नफ्लोर के हिसाब से एक दूसरे को चिपक जाएंगी। तो हम 2 से 3 बैचेस में थोड़ी थोड़ी कर इस चिप्स को तल लेंगे। हमें इस चिप्स को बीच बीच में घुमाते रहना है, ताकि वो एक दूसरे को चिपके नहीं। हमारी ये चिप्स तलने में
तीन से चार मिनट लगती है फ्रेंड्स। हमारी ये चिप्स को बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर आने लगा है। अब हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे। लेट्स सर्व फ्रेंड्स। हमारी ये चिप्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। मैंने यहाँ पर सॉस और मेयोनीज का डिप बनाया है, जिसके साथ ये चिप्स बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही कुरकुरे बने हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे पार्टी टाइम में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही यम्मी लगती है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।